हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ है, टूर हुआ है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा और वो न्यूजीलैंड में होगा। इसमें बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें से रोहित शर्मा जो हैं इनको रेस्ट कर दिया गया है। ये न्यूजीलैंड के टीम के खिलाफ नहीं खेलेंगे, न्यूजीलैंड के इनको सिलेक्शन नहीं हुआ है। कोहली ये भी रेस्टेड हैं और केएल राहुल भी रेस्टेड हैं। तो ये तीन खिलाड़ी को नहीं लिया गया है न्यूजीलैंड में। जो न्यूजीलैंड का अपकमिंग मैच है वो जो 18 नवंबर से स्टार्ट होगा, 18 नवंबर से स्टार्ट होगा, जिसमें से रोहित, केएल राहुल और कोहली ये तीनों खिलाड़ी को रेस्ट में दिया गया है। तो इसमें यहाँ पे 3 T20 खेला जाएगा और 3 ODI खेला जाएगा। अगर बात करें कि कौन कौन से प्लेयर हैं, तो 20 जो है, 20 में T20 में हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया है और ODI में शिखर धवन को। सबसे पहले बात करें 20 की, तो 20 में हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया है, ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया गया है 20 में, और ईशान किशन को मौका दिया गया है, शुभम गिल हैं, दीपक हुडा हैं, स्काई हैं, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वंशीकरण सुंदर और युजेंद्र चहल, कुलदीप यादव, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक। ये इतने खिलाड़ी 20 में हैं, बाकी रोहित, केएल राहुल ये सबको मौका नहीं। अगर बात करें ODI में, तो ODI में धवन को कैप्टन बनाया गया है, ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया गया है, शुभम गिल, दीपक हुडा, स्काई, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वंशीकरण सुंदर, शार्दुल ठाकुर, शहबाज अहमद, युजेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, दीपक चहार और कुलदीप सेन, उमरान मलिक, इन सबको मौका दिया गया है। अब देखो, कुछ प्लेयर हैं जो कि ODI में नहीं है, कुछ प्लेयर जो हैं 20 में नहीं है। जैसे कि आप देखोगे ईशान किशन को ODI में नहीं लिया गया है। उसके अलावा आपको हर्षल पटेल को ODI में नहीं लिया गया है, मोहम्मद सिराज को ODI में नहीं लिया गया है, भुवनेश्वर कुमार को ODI में नहीं लिया गया है। तो इन लोगों को सिर्फ 20 में रखा गया है। और यहाँ से कुछ प्लेयर हैं जिनको 20 में नहीं लिया गया है, जैसे कि सरदार ठाकुर जो है वो T20 में नहीं है, शहबाज अहमद T20 में नहीं है, धवन को नहीं लिया गया है T20 में। उसके अलावा आपको दीपक चहर को भी T20 में नहीं लिया गया है, कुलदीप सेन को तो भी 20 में नहीं लिया गया है। तो कुछ प्लेयर हैं जिनको T20 में नहीं लिया गया है, कुछ प्लेयर जो है ODI में नहीं लिया गया है। तो ये दोनों टीम है ODI की और T20 की। आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी टीम लगी और कौन से प्लेयर को आप मिस करने वाले हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।